दोस्तों इंडिया में मैं कहूँ सबसे जो टफ काम है वो है घर की कंस्ट्रक्शन करना, हाउस कंस्ट्रक्शन करना। और इसमें काफी बड़ा योगदान कुछ कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, आपको फुलिश सुजेशन देते हैं, बेवकूफ बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? वो बनाते इसलिए हैं कि उनका मटेरियल बचे, उनका पैसा बचे और वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। तो आपको उनके बहकावे में नहीं आने, तो आज ऐसी कुछ 15 चीजें मैं आपको बताऊंगा जो कॉन्ट्रैक्टर आपको फुलिश बनाने के लिए यूज करते हैं। तो मैं देखता हूं इंडिया में सबसे बड़ा जो घोटाला या बोलते हूं बेवकूफी की जाती है घर की कंस्ट्रक्शन में, वो होता है जब कंक्रीट हो रहा होता है, भले वो स्लैब का है, पिलर का है, कॉलम फुटिंग किसी का भी, उसमें रेशो का ध्यान नहीं रखा जाता है। रेशो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि M25 ग्रेड ही डलना चाहिए या M20, जब कोई भी ग्रेड एक प्रॉपर स्पेसिफिक होना चाहिए आपको भी और ठेकेदार को भी, कि जब जो देखो जो लेबर लगी होगी उसको इतना आइडिया नहीं होता, उसको ये पता होता है कि एक बैग सीमेंट डाला, रेता डाल दिया, दो ज़्यादा भी डाल दिया, वो नहीं, प्रॉपर रेशो होनी चाहिए। M25 ग्रेड बन रहा है तो M25 ग्रेड का ही माल डालना चाहिए। वो मेज़र के लिए आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ होना चाहिए, जैसे तगारी ली जाती है, तगारी से सीमेंट डाला जाता है, अगर दो तगारी सीमेंट डाल रहे हैं तो आपकी चार तगारी रेता होना चाहिए, आठ तगारी आपका एग्रीगेट होना, ये एग्जाम्पल होगी अगर M10 का माल बन रहा है। वैसे M15 के लिए तो ये जो चार्ट देख रहे हो ये रहता है कि M25 के क्या रेशो होती है, M20 की क्या है, तो ये रेशो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये कोई ध्यान नहीं देता, ये पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा। जो होती है जब फुटिंग या एक्सकवेशन या प्लिंथ भी मोर है, वहां जो फिलिंग की जाती है सैंड, वो आपको मोरम प्रोवाइड करनी है। आपको कभी भी पत्थर वाली मिट्टी वो नहीं करना, क्योंकि सेटलमेंट वो सबसे ज्यादा जो सेटलमेंट होती है वो होती है जो आप डायरेक्ट वो मिट्टी डाल देते हो, ना उसमें रोलर फेरते हो, ना कॉम्पैक्शन करवाते हो, ना फ्लडिंग करते हो, तो वो बाद में बैठती है। अगर बाद में वो 50 कोई 2 इंच भी बैठी ना, आपके घर में नीचे से ऊपर तक क्रैक आ जाएगा, तो वो चीज़ अच्छी नहीं है। तो आपको प्रॉपर जो मोरम फिलिंग करवानी है, प्रॉपर कंपैक्शन और उसमें फ्लडिंग करवानी है। फुटिंग की डेप्थ कम कर देते हैं, आपको सजेशन देंगे कि आप 2 स्टोरी का घर बना रहे हो, इतनी फुटिंग 6 फुट फुटिंग क्या करनी है, हमने 10 घर बनाए पीछे, हमने तो सिर्फ 4 फुट फुटिंग दी और कुछ भी नहीं हुआ। भाई हर कंडीशन अलग है, जो आर्किटेक्ट ने अपनी सॉइल देखी होगी, उसने पूरा डिज़ाइन किया होगा आपके घर का, तो उसने 6 फुट का है तो 6 फुट प्रोवाइड करो। नेक्स्ट चीज आपको जो करनी होती है वो करनी है आपको, देखो जब भी आप ड्राइंग लेके आते हो, जो तेज कॉन्ट्रैक्टर रहते हैं वो क्या बोलते हैं आपको कि ये जो आर्किटेक्ट है या स्ट्रक्चरल इंजीनियर है, इसने जो स्टील मेंशन किया ये बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा स्टील प्रोवाइड किया इसने, ये तो हम कब से घर बना रहे हैं इतना स्टील हमने देखा नहीं। सिविल इंजीनियर क्या होते हैं, बेवकूफ होते हैं, ये सब चीजें वो बोलेगा, उनको कुछ आइडिया नहीं है, आर्किटेक्ट को कुछ आइडिया नहीं है कि कितना सरिया देना होता है, इतने ज्यादा कॉलम दे दिए। भाई ये पूरी प्रॉपर प्लानिंग के साथ चीजें होती है, और आर्किटेक्ट जो आता है वो पूरा स्ट्रक्चर इंजीनियर से कंसल्ट करेगा, प्रॉपर लोड देखेगा, वो उस हिसाब से आपको सरिया देता है कि आपके कॉलम में इतना सरिया आएगा, क्योंकि फ्यूचर प्लानिंग भी कुछ नाम होता है। फ्यूचर प्लानिंग क्या है, आजकल लोग सिंगल स्टोरी के लिए डिजाइन नहीं करवाते, आप 3 स्टोरी को लेके चलते हैं, क्योंकि ड्यूप्लेक्स 3 स्टोरी मतलब नॉर्मल है, तो उस हिसाब से उस चीज को डिजाइन किया जाता है, जैसे स्ट्रक्चर इंजीनियर ने बोला है वैसे ही आपको स्टील प्रोवाइड करना है। अगर उसने कहा है कि 4 मीटर पे एक बीम कॉलम देना है तो देना है, सरिया अगर 16 mm का कहा है तो करो, नहीं तो कॉन्ट्रैक्टर आपको बोलेगा इतनी जरूरत नहीं है, यहाँ 16 की जगह 12 भी डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, हम 100-200 घर बना चुके हैं, आज तक कुछ कंप्लेन नहीं आई है। कंप्लेन आज नहीं आएगी, वो 10 से 15 साल बाद कंप्लेन आएगी, जब वहां क्रैक आने लग पड़ेंगे या सेटलमेंट होने लग पड़ेगी तब आती है, कोई 1-2 साल में नहीं आता, क्योंकि इतनी स्ट्रेंथ होती है। और सबसे ज्यादा कंप्लेन तब आएगी जब अर्थक्वेक आएगा, और अर्थक्वेक के टाइम वो दिखेगा भी नहीं आपको कि कॉन्ट्रैक्टर है कहां, तो ये चीज आपको ध्यान देनी है, ये ऐसा कभी उसको नहीं करने देना है, क्योंकि लाइफ हमें कर की चाहिए 50 से 60 साल मिनिमम, ठीक है। तो उसके लिए आपको पूरा प्रॉपर प्लानिंग आपको आर्किटेक्ट से लेनी है, कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू नहीं जाना है। काफी लोग मैं देख रहा हूं कॉन्ट्रैक्टर पे देखते हैं कि उसने पुराना घर इतना अच्छा बनाया, तो मेरा जो पुराना घर है उसका भी यही हाल है, जो पुराना कॉन्ट्रैक्टर था कॉन्ट्रैक्टर से राय ले ली और घर की ऐसी हालत है कि मैं बता नहीं सकता हूं। नेक्स्ट जो आपको देना है, अगली चीज कहां लोचा होता है, स्लैब की थिकनेस में, जो स्लैब की मोटाई होती है ना उसमें कंक्रीट सबसे ज्यादा लगने वाला होता है, अगर वो 1/2 इंच भी कम कर देंगे तो बहुत सीमेंट के बैग बच जाएंगे उनके, मतलब अगर 10-15 बैग या 20-30 बैग बच गए तो काफी पैसा बच रहा है उसका। तो आपको चेक करना है कि वो जो 5 से 6 इंच स्लैब आपको देनी है, 5 से 6 इंच रहनी चाहिए ना, तो वो कुछ आपको मेजरमेंट के लिए कांडी रखनी चाहिए। कांडी क्या होती है, स्टिक होती है, निशान लगाया होता है, तो वो डाल डाल के देखा जाता है कि सही है कि नहीं,
तो आपको थिकनेस में भी ध्यान देने, वहाँ ठेकेदार आपको कंफ्यूज या कम थिकनेस रख के पैसे बचा सकता है। थिकनेस प्रॉपर होनी चाहिए, ज़्यादा देके भी कोई फायदा नहीं है, कम देके भी नहीं है। अगला होता है कंस्ट्रक्शन का मटेरियल। देखो होता क्या है, क्यों ये बेवकूफ़ आपको बना सकते हैं, क्योंकि कुछ ठेकेदार क्या होते हैं, जो अच्छे ठेकेदार हैं वो अच्छे से काम करेंगे, कुछ ठेकेदार कम पैसे में काम उठा लेते हैं, फिर खुद का भी पैसा नहीं उनका निकलता है, तो उनको क्या करना पड़ता है, इन्हीं चीज़ों में झोलझाल करेंगे वो आपसे। तो जो कंस्ट्रक्शन का मटेरियल हो गया, जैसे सीमेंट हो गया, वो पुराना सीमेंट अगर लाते हैं, 3-4 महीने से ज़्यादा पुराना सीमेंट हो, वो सस्ता मिलता है। सीमेंट ACC बैग ही होगा या अल्ट्राटेक ही होगा, लेकिन पुराना सीमेंट सस्ता सीमेंट होता है थोड़ा। और फिर साथ ही साथ सरिये, सरिये में वो कर सकते हैं कि आपने टाटा का कहा है, कुछ सरिये टाटा का लगा रहे हैं, बीच में कुछ मिक्स कर रहे हैं, दूसरा सरिया कुछ कंपनी का, जहाँ आपका क्या होता है, जो रेत है, सैंड है, वो घटिया क्वालिटी के लगा देंगे, तब तो कुछ आइडिया नहीं लगेगा, तब सही से घर आपका बनेगा, लेकिन बाद में वो निकलने लग पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी चेक कर लेना, जब किसी ठेकेदार को काम दो आपको पता होना चाहिए कि क्या मटेरियल वो ला रहा है। ईंट 10 किस्म की ईंट आती है, आपको बोल देगा कि हम एक क्लास क्वालिटी की ईंट यूज़ करेंगे, तो वो देखने में अच्छी होगी और बेकार ईंट लगा सकता है, तो ये चीज़ें भी देखनी है। अगली चीज़ होती है डोर जो बनाते हैं। देखो डोर बने बनाए लगाए जाते हैं ठेकेदार के द्वारा, तो डोर भी 3-4 किस्म के आते हैं, कि अंदर से वो खाली रहते हैं, मतलब जो WPC हो गया या लैमिनेट डोर हो गया, बाहर से पूरा अच्छे से माइका लगा होगा, लेकिन अंदर से वो खोखला होता है। जब उस पर आप जो लॉक्स लगाते हैं या कुछ लगाते हैं, वो थोड़े टाइम बाद उसके स्क्रू निकल जाते हैं, क्योंकि अंदर से वो खाली होता है। तो कभी भी डोर लेना है, अच्छा चेक करके लेना है कि वो सही से, बाहर से नहीं देखना है, इसकी क्वालिटी होती है कि एक मतलब उसकी कितनी डेंसिटी होनी चाहिए दरवाजे की। इस पर वीडियो है, वो ज़रूर देखना आप, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, कि दरवाजे में भी वो झोलझाल कर सकते हैं। अगली चीज़ होती है जो कंडक्ट पाइप और PVC, जो पानी की पाइप्स होती हैं, जहाँ हमारी कंडक्ट पाइप लगाई जाती है, तो उसमें क्या होता है, क्वालिटी हल्की भी आती है, वो जब स्लैब में डालते होते हैं कंडक्ट पाइप, तो वहाँ भी टूट सकती है वो, तो अच्छी क्वालिटी की पाइप लेनी है कि वो टूटे नहीं, नहीं तो वहाँ आपकी स्लैब में दरार भी आ सकती है और सीपेज भी होती है। जब पानी की पाइप अंदर डाली जा रही होती है, ऐसे तो CPVC लगानी है, वो लगाते भी CPVC हैं, लेकिन उसमें भी क्या होता है, प्रेशर का होता है, अगर कम प्रेशर झेलने वाली पतली गौज होता है ना पाइप का, कि उसकी पाइप मोटी कितनी है, वो गौज देखना है आपको, प्रेशर चेक करना है कि प्रॉपर प्रेशर वाली पाइप लगाई है कि नहीं लगाई है। अब इस वीडियो में मैं सब बता नहीं सकता आपको कि कितना प्रेशर होना चाहिए, क्योंकि वीडियो फिर 2 घंटे की हो जाएगी। इस पर वीडियोज़ मैं बना चुका हूँ कि पाइप कौन सी होनी चाहिए, कंडक्ट पाइप कौन सी होनी चाहिए। आप यूट्यूब पर जाना, पहले जो भी टॉपिक आपको घर की कंस्ट्रक्शन में दिक्कत आ रही है, उस टॉपिक का नाम लिखना, आगे लिखना सिविल साइट विजिट, हमारी वीडियोस आ जाएंगे आपको। अगली चीज़ होती है वायर, जब तार घर में लगाई जा रही होती है, तो आपने बोला होता है हैवल्स की या पॉलीकैब की, जिस भी कंपनी की, वो ठेकेदार ले आता है, लेकिन उसमें भी 3-4 किस्म होती है। एक होती है फायर रेजिस्टेंट, जिसमें फायर या स्मोक नहीं लगेगी, इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती है। पॉलीकैब की एक ऐसी भी आती है जो नॉर्मल क्वालिटी की रहेगी, उसमें आग लगने के चांसेस होते हैं। तो आपको जब भी वायर वगैरह या कुछ भी ठेकेदार के ऊपर छोड़ना है, तो अच्छी क्वालिटी की आपको चेक कर लेना है। गूगल भी बता देगा, यूट्यूब भी बता देगा कि कौन सी चीज़ अच्छी है, किसमें जल्दी आग नहीं लगती है या क्या चीज़ है, तो आपको ये चीज़ भी चेक करनी है। अगला बहुत बड़ा झोलझाल होता है जो स्ट्रक्चर डिटेल, मतलब जब कि घर की कंस्ट्रक्शन होती है, जो स्टील बांधा जाता है। एक तो मैंने मोस्टली देखा है जो रिंग बांधे जाते हैं कॉलम में, कॉलम तो आप दे रहे हो 12 इंच बाय 15 इंच का कॉलम दिया था, लेकिन जो उसमें सरिया बांधा है, उसमें जो रिंग दिए हैं, रिंग की स्पेसिंग कितनी होती है, 10 इंच 9 इंच 12 इंच, इतने दूर दूर मैंने स्पेसिंग देखी है घर के, कि रिंग की इतनी स्पेसिंग देती है, तो वो पिलर की कोई शक्ति नहीं रहेगी। मतलब जो चीज़ आपके सरिया को पकड़ के रख रही है, स्टीरअप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है रिंग का, अगर वो सही से नहीं दोगे तो दिक्कत आएगी। 6-7 इंच से ज़्यादा स्पेसिंग मैंने नहीं देखी किसी पिलर में देनी चाहिए, तो 6-7 दिन मैं मैक्सिमम बोल रहा हूँ। तो आपको स्पेसिंग सही से देनी है, और स्पेसिंग कैसे देनी होती है, इस पर वीडियोज़ हैं। आपको नीचे से जब स्पेसिंग देनी है, तो 5 से 6 इंच देनी है, ऊपर आप 7 इंच कर लो सेंटर में, फिर जहाँ सपोर्ट आती है वहाँ आपका फिर से कम हो जाएगी स्पेसिंग। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो क्या करते हैं, सरिये की स्पेसिंग बढ़ा देते हैं, उससे सरिया कम उनका लगता है और आपका स्ट्रक्चर ख़राब हो जाता है। तो आपको चेक करने, ड्राइंग में देखने, ड्राइंग पढ़ना। देखो कभी घर की कंस्ट्रक्शन करवाओ ना, जो घर की ड्राइंग बनाते हैं इंजीनियर, वो सिंपल सी होती है, कोई भी देख के पढ़ लेगा कि क्या क्या उसमें मेंशन है, बस आपको वो थोड़ा पढ़ लेना है। जब भी घर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है, तो जब पढ़ के आप देखोगे साइड पे जाके, तो आपको काफ़ी गलतियां भी पकड़ लोगे, और ठेकेदार को भी थोड़ा डर रहेगा कि नहीं ये ड्राइंग देख रहे हैं। वरना आप ड्राइंग जहीं मर्जी से बना लो, फिर जब आप साइड पे देखोगे नहीं वो ड्राइंग से कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो दिक्कत आ जाती है। कुछ कॉन्ट्रैक्टर ये चीज़ें करते हैं, क्योंकि कम रेट में उन्होंने काम लिया होता है, तो वो दिक्कत आएगी। सरिये की डिटेल अच्छे से स्ट्रक्चर से बनानी है,
और चेक भी करनी है स्पेसिंग सही से दे रहा है नहीं दे रहा है। अगली चीज़ होती है जब फॉल सीलिंग हम किसी ठेकेदार को दे देते हैं तो फॉल सीलिंग हम रेट कर लेते हैं फिक्स 120 से 130 रुपये पर स्क्वायर फीट, लेकिन जो देखने में वो डिज़ाइन वैसा ही बना देगा लेकिन अंदर का मटेरियल भी आपको चेक करना है कि अच्छी कंपनी के चैनल लगा रहे हैं नहीं लगा रहे, स्क्रू लगा रहे हैं नहीं लगा रहे, नहीं तो होगा क्या 3-4 साल वो फॉल सीलिंग बहुत अच्छी दिखेगी आपकी लेकिन थोड़े टाइम बाद उसमें क्रैक्स भी आएंगे और कईयों की फॉल सीलिंग नीचे गिर भी जाती है, तो ये भी बहुत जगह देखा है तो आपको चेक करना है। अगली चीज़ होती है पुट्टी और कोट। जब भी हम घर की कंस्ट्रक्शन किसी को दे देते हैं, बीच बीच में विजिट मार रहे हैं, बीच बीच में देखने जाते हैं, तो आपने दो कोट कहा होगा, वो एक कोट मार के आपको बोल सकता है कि दो कोट, आप चेक नहीं कर पाओगे कि दो कोट किए नहीं किए, तो वहाँ से उसकी पुट्टी भी बचेगी और लेबर भी बचेगी, तो ये चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट चीज़ जो होती है वो वॉल को लेके होती है, मतलब इसमें बहुत खेलते हैं कॉन्ट्रैक्टर, वो बोलते हैं कि अगर आप फ्रेम स्ट्रक्चर बना रहे हो, आप कॉलम बीम वगैरह दे रहे हो तो दीवार की कोई ज़रूरत नहीं है। इंजीनियर्स ऐसे बोलते हैं कि लोड तो ट्रांसफ़र होगा, लेकिन भाई मेरे सुनो, फ्रेम स्ट्रक्चर कोई दिक्कत नहीं है लेकिन बाहर की जो दीवारें होंगी, पार्टीशन जो अंदर के रूम डिवाइड कर रहे हो, बाथरूम डिवाइड कर रहे हो, वहाँ 4 इंच की दो कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन बाहर की जो दीवारें वो 9 इंच दो। एक तो सेफ्टी पर्पस के हिसाब से भी वो अच्छा है, बाकी वो भी एज ए लोड मतलब लोड बेरिंग का काम करती हैं दीवारें, ऐसा नहीं है कि सब कुछ लोड कॉलम ही कर रहे हैं, बाहर की दीवारें आप दो तो थोड़ा सेफ रहता है, तो आपको जो बाहर की दीवारें 9 इंच रखो, अंदर की 4 इंच रखो ही रखो। एक बहुत बड़ा खेल खेलते हैं जो कॉन्ट्रैक्टर को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है बनाने में, वो होती है सीढ़ी। सीढ़ी में वो बहुत धोखाधड़ी आपके साथ कर सकते हैं, सीढ़ी में स्टील में जोल जाल हो जाता है क्योंकि प्रॉपर अगर स्टील बांधने जाएंगे सीढ़ी का तो काफ़ी टाइम लगता है। वो क्या करते हैं, सिंपल 12 mm का सरिया ऊपर से नीचे दौड़ाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन बांधेंगे और भर देते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, आपको प्रॉपर जो स्टील होता है स्टील में दोनों तरफ बीम दो और जो प्रॉपर सरिया होता है डबल मैश प्रोवाइड करते हैं उसको प्रोवाइड करो तो अच्छा रहता है, सेफ्टी प्रॉपर रहती है उस चीज की। नेक्स्ट जो चीज देनी है, कौन सा सीमेंट घर के लिए अच्छा है, स्लैब के लिए अच्छा है। पहले डिपेंड होता है कि छत आप कोई भी सीमेंट डालो, किसी भी कंपनी का डालो, लेकिन उसमें आपको 3 चीजें समझनी पड़ेंगी। ग्रेड, देखो ग्रेड और टाइप ऑफ सीमेंट। ओपीसी सीमेंट आता है, एक ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, एक आता है पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट। दो सीमेंट बेसिकली आजकल इंडिया में यूज़ किए जा रहे हैं छतों के लिए। तो इसमें ग्रेड आता है 33 ग्रेड, 43 ग्रेड, 53 ग्रेड। आपको हमेशा ध्यान देना है कि आपको 53 ग्रेड ही यूज़ करना है। किसके लिए? छत के लिए। जब भी कॉन्क्रीट करो आप छत का, उसमें आपको 53 ग्रेड यूज़ करने हैं। और मैं कहूँगा ओपीसी, ठीक है अगर ओपीसी मिल जाता है, ओपीसी और पीपीसी में से कोई भी यूज़ करो, लेकिन अभी पीपीसी यूज़ करोगे तो आप क्रैक से बचे रहोगे। पीपीसी 53 ग्रेड जो आता है वो बेस्ट है। जो आपने रेलवे ट्रैक्स के वो देखे नहीं होते, जो स्लीपर्स पड़े होते हैं कॉन्क्रीट के, उस पर कितना लोड वाइब्रेशन करता है, वो किसके बने होते हैं? पीपीसी 53 ग्रेड के। वो इतनी वाइब्रेशन झेल सकते हैं, तो इधर तो क्या छत में कुछ ज़्यादा लोड भी नहीं आने वाला है। तो आपको मैं अभी एक सुझाव देता हूँ कि आपको जो अगर सीमेंट यूज़ करना है तो अगर अंबुजा रूफ स्पेशल या अंबुजा कवच अगर आपको मिलता है तो आप उसको यूज़ करो, क्योंकि वो अच्छा ग्रेड है। पीपीसी 53 अंबुजा कवच सीमेंट है। जो अगर मैं नॉर्थ की बात करूँ, जम्मू एंड कश्मीर या हिमाचल में, तो वो बैग कुछ 480 रुपये पर बैग पड़ रहा है। अगर आप अच्छे से बात करोगे कि 100-200 बोरी चाहिए तो आपको 460-470 रुपये में वो मिल जाएगा। तो वो ही यूज़ करना है आपको, कौन सा? अंबुजा कवच, जिसका पीपीसी 53 ग्रेड, ये सीमेंट अच्छा है। और इसी वीडियो में बात करूँगा अगर कि आपको केमिकल यूज़ करना चाहिए कोई नहीं कि नहीं। देखो केमिकल यूज़ करोगे तो उसका तो कुछ अच्छा इफेक्ट तो होगा ही, केमिकल बनाए इसलिए हैं जो वाटरप्रूफिंग केमिकल है। होता क्या, दिक्कत क्या होती है, क्यों सबको ये लगता है कि वो अच्छे केमिकल यूज़ नहीं हो रहे हैं? क्योंकि उसका प्रोपोर्शन सही तरीके से नहीं डालते। 1-2 बोतल डाल दोगे इतने बड़े छत में, कहाँ वो पता चलने वाला है? जितना उसका प्रोपोर्शन उसकी बोतल पे लिखा हुआ है, जहाँ जो मैंने कल वीडियो डाली थी प्रोपोर्शन बताया था आपको, उस हिसाब से डालोगे तो वो कोई इफेक्ट करेगा। बाकी कंपनी की बात करूँ, डॉक्टर फिक्सिट का भी अच्छा है अगर यूज़ करते हो, अगर फॉसरॉक का मिलता है, नीटो उसका सिक्का का मिलता है, वो डालोगे लेकिन प्रोपोर्शन के साथ तो अच्छा है। अगर नहीं डालना है तो आप क्या करो, जो मैंने बताया ना, जो वाटरप्रूफिंग सीमेंट आ रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ के लिए आजकल मार्केट में सीमेंट है, प्लिंथ के लिए अलग, चिनाई के लिए अलग, प्लास्टर के लिए अलग, रूफ के लिए अलग, तो वो इसीलिए बनाए हैं कि उसकी चीज़ को देखते हुए, खासियत देखते हुए। अभी हम बात करें जैसे वाटरप्रूफिंग, हमें छत पे क्या चाहिए होता है,
कि हमारे लीकेज होती है तो हमें वाटरप्रूफिंग चाहिए। तो अगर आप अंबुजा कवच या अंबुजा रूफ प्लस करते हो, रूफ के सबके आए हैं, अल्ट्राटेक के भी आए हैं, एसीसी के भी आए हैं, हाथी के आए हैं, सबके आए हैं, तो आपको रूफ स्पेशल दे रूफ स्पेशल देख के डाल देना है। लेकिन एक चीज़ ध्यान देनी है, सीमेंट कोई भी यूज़ कर लो, आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी है कंक्रीट डालते हुए स्लैब का। नेक्स्ट जो चीज़ देनी है वो होता है कवर ब्लॉक। मैंने देखा कि कवर ब्लॉक कोई भी कॉन्ट्रैक्टर महत्व नहीं रखता है, कवर ब्लॉक की जगह पत्थर, ईंट, लकड़ी, ये सब चीज़ें डाली जाती हैं और इनकी स्ट्रेंथ मैच होती नहीं। आप भले M25 कंक्रीट यूज़ कर लो, 30 कंक्रीट, बीच में वॉइड्स तो रह ही जाएगा ना, क्योंकि थोड़े देर टाइम बाद वो डिट्रॉयड हो जाएगी चीज़ और वो गैप बन जाएगा और वो सेटलमेंट हो जाती है। तो आपको प्रॉपर उसको बोलना है, या तो CPVC के कवर यूज़ कर या तो कंक्रीट के कर, लेकिन वो जो ग्रेड ISO सर्टिफाइड हो। तो इससे क्या होता है, आपका प्रॉपर कंक्रीट चारों तरफ कॉलम के सरिये के रहता है, उससे जो सरिया आपका ख़राब नहीं होता है। और इससे देखो, अगर ईंट वगैरह यूज करोगे वो अभी नहीं दिखेगा, जैसे मैंने कहा 15-20 साल बाद दिखने लग पड़ता है सब कुछ। उसके बाद जो आपका सरिया वो काला सा पड़ गया होता है, आपके छत का प्लास्टर गिर रहा है, आपका कॉलम में क्रैक आ रहे हैं, तो वो काफी देर बाद दिखता है। ये चीजें आपको अभी से ध्यान देनी पड़ेंगी। और मैंने काफ़ी चीज़ें देखी हैं, कॉन्ट्रैक्टर मतलब लेबर बचाने के लिए, ईंट बचाने के लिए एक्स्ट्रा वेंटिलेशन दे देते हैं, मतलब ज़्यादा बहुत खिड़कियां प्रोवाइड कर देते हैं। ये ध्यान नहीं आता है, ये लगता है कि ठीक है यार खिड़कियां इतनी प्रोवाइड कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन इसमें खर्चा इंक्रीज़ हो जाता है आपके, जो फिर आपको उसके लिए खिड़कियों का खर्चा बढ़ेगा। तो वो लेबर बचाने के लिए एक्स्ट्रा खिड़कियां वेंटिलेशन दे देता है, वो भी आपको ध्यान देना है। और बहुत बड़ा स्कैम करते हैं यहाँ पे, वो होता है एक्स्ट्रा बालकनी और एक्स्ट्रा गैलरी देख के। होता क्या है, आपने रेट किया होता है स्लैब और गैलरी का कि पर स्क्वायर फीट हम 1200 स्क्वायर फीट 1300 स्क्वायर फीट देने वाले हैं, तो वो गैलरी प्रोवाइड करते हैं दो दो तीन तीन चार चार फुट की और उसी को नापते हैं, और उससे क्या उनका खर्चा बच गया, लेकिन आपके कुछ काम की नहीं आने वाली वो गैलरी। उस गैलरी में आप जाओगे भी नहीं, ना वहां कुर्सी लगती है, ना किसी मतलब गैलरी में कहां टाइम है यार, आजकल सब बिजी लोग हैं। तो गैलरी उतनी दो जितनी जरूरत है, और जो छत की गैलरी है उसको ध्यान देना कि तीन बहुत है, तीन फीट से ज्यादा दे रहा है तो कुछ काम की नहीं है, वो अपना खर्चा बना रहा है। और एक और आजकल स्कैम चल रहा है, जो फॉल सीलिंग तो हर लोग करवा रहे हैं, PVC की है या POP की फॉल सीलिंग है, तो उसमें क्या करते हैं कि छत का प्लास्टर नहीं करते हैं वो लोग। तो भाई छत का प्लास्टर जरूर करवाओ, भले आप फॉल सीलिंग करवा रहे हो लेकिन 6 mm का थिकनेस रखो, कुछ ज्यादा थिकनेस रखो नहीं, क्योंकि छत के प्लास्टर में काफी टाइम लगता है। तो कॉन्ट्रेक्टर बोलता है अगर आप फॉल सीलिंग करवा रही ही हो तो आपको क्या जरूरत है प्लास्टर करवाने की, नहीं आपको जरूरत है क्योंकि एक जो हमारा कॉन्क्रीट है उसको एक एक्स्ट्रा लेयर देती है, और जो अगर बाय चांस कोई डैम्पनेस, थोड़ी बहुत डैम्पनेस भी आती है छत से, तो वो उसको थोड़ा तो कवर करेगी। तो मेरे ख्याल में आपको प्लास्टर करवाना है, नहीं तो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट में POP आएगी छत के, तो वो गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं और फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जो स्पेसिंग का एक और जोल करते हैं, जो स्ट्रक्चर या आर्किटेक्चर इंजीनियर हमें स्पेसिंग कही होती है कि आपको 150 mm स्पेसिंग रखनी है यहाँ से जहाँ तक, यहाँ पे आपको 200 mm स्पेसिंग रखनी है, यहाँ 150। तो कॉन्ट्रेक्टर बोलता है भाई इतनी स्पेसिंग, इतनी कम स्पेसिंग कोई जरूरत नहीं है, हमने काफ़ी घर बनाए कुछ नहीं होगा, तो वो स्पेसिंग दे देता है 200-300 mm या 250, जहाँ 150 का है वहाँ 200 कर देगा, उसका टाइम बचता है, सरिया बचता है। लेकिन आपको कहना है कि कॉलम में उसने कहा है अगर 1 meter तक आपको 100 mm की स्पेसिंग देनी है तो देनी है, यहां 150 देनी है तो देनी है। ये चीजें आपको चेक करनी है, और सरिया जरूर चेक करना, ग्रेड, ब्रांड, ये सब चीजें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। दूसरी चीज होती है हाइट, घर की हाइट 10 फुट की जगह वो 9 फुट कर देंगे तो वो दिक्कत आएगी, जब फॉल सीलिंग कराओगे काफी नीचे आती है, तो आपको जो प्रॉपर उसको बोलना है 10-11 फुट हाइट रख, वो बोलेंगे नहीं कोई जरूरत नहीं है इतनी 11 फुट हाइट क्या करोगे आप, क्योंकि आपकी ईंट बचेगी अगर 11 फुट नहीं करते हो, तो वो अपना टाइम बचा रहा है, अपनी ईंट बचा रहा है। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। जब घर की कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं हम लोग, तो सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्या होती है, वो होती है कि ब्रिकवर्क करके कॉलम करें या कॉलम करके ब्रिकवर्क करें। तो उसके लिए सबसे पहले समझते हैं, जब हम ब्रिकवर्क और कॉलम करते हैं, मतलब हमने ब्रिकवर्क जुड़ाई कर गई फिर हमने कॉलम करते गए साथ में, ठीक है, तो उसमें होता क्या, आपकी बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनती है, मतलब आपका ब्रिकवर्क और कॉलम में क्रैक कभी नहीं आएगा, ये चीज़ है। और कॉन्ट्रैक्टर भी मोस्टली यही करते हैं क्योंकि उनकी शटरिंग बचती है दो तरीके से, और थोड़ा मेरे को लगता है उनको दिमाग में है कि ये जल्दी काम होता है, लेकिन वो ऐसा नहीं है, स्लो काम है। तो अगर आप ब्रिकवर्क और कॉलम करते हो, बॉन्डिंग रहेगी, क्रैक तो नहीं आएंगे, लेकिन 8
उसके नुकसान है कितने, 8, एक फायदा है 8 नुकसान है। और ये जो कन्फाइंड मैसनरी बोला जाता है, ये तरीका होता है, अगर आपको ब्रिकवर्क और कॉलम करने कन्फाइंड मैसनरी करनी है तो काफी चीजें प्रिकॉशंस लेके चलना पड़ता है फिर होती है। तो अब इसको मैं समझता हूँ जो 8 नुकसान है क्या। जब आप ब्रिकवर्क करते हो और साथ में कॉलम करते हो, सबसे पहली चीज जो कॉलम का काम क्या है, वो प्रॉपर अलाइंड हो, सीधा हो एकदम, उसमें देखो आधे इंच का भी या 5 mm का भी अलाइनमेंट आगे पीछे नहीं होना चाहिए। अगर कोई अच्छा क्लाइंट होगा जो बड़ी बड़ी MNC कंपनीज हैं, उनमें अगर 5 से 10 mm का अलाइनमेंट इधर उधर हो, उस कॉलम को तोड़ना पड़ता है, ये रूल है। लेकिन यहां पर जब हम करते हैं ब्रिकवर्क और मैसनरी कॉलम, तो होता क्या है, हमारा कॉलम कब कहीं जगह से अगर 300 का कॉलम नीचे से पकड़ के चल रहे हैं उसको, कई जगह से वो हो जाएगा 300, कई जगह पे 350, कई जगह पे 250, मतलब उसकी प्रॉपर अलाइनमेंट कभी नहीं होती है, गारंटी है अगर ए तरीका अपनाते हो। और अगर उसकी प्रॉपर अलाइनमेंट है ही नहीं, तो वो लोड किस तरीके से अपना ट्रांसफर कर पाएगा, और फेलियर के चांसेस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो अलाइनमेंट नहीं होती है, ये पहला उसका नुकसान है। दूसरा नुकसान क्या है, जब हम ये तरीका अपनाते हैं तो होता क्या है, हमारी जो ब्रिक है उसका वाटर एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा है, 15 से 20% वो पानी सोखती है। और यहां तो पानी उसको पिलाना कैसे पिलाते हैं ब्रिकवर्क को, कोई उसकी तराई नहीं होती है, पहले उसको एक बाल्टी या जग फेंका और ब्रिक लगा दी, और उसकी तराई की नहीं की, किसी ने देखा, 10 दिन तराई भी करोगे ना और तब भी वो पानी सोखेगी। और जब हम कॉलम कास्ट करते हैं, दोनों तरफ शटनी लगा दी, बीच में हमने कंक्रीट डाल दिया, जो मैसनरी होती है जहां बीच में जो मोटार है वो पूरा पानी कंक्रीट का सोख लेती है, और जब कंक्रीट को पानी नहीं मिलेगा जैसे मैंने कल बताया, तो वो 50% उसकी स्ट्रेंथ कितनी डिक्रीज होती है, 50% अगर उसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज हो गई तो बचा क्या, कुछ नहीं बचा। अगर M20 का ग्रेड यूज कर रहे हो, कंक्रीट यूज कर रहे हो, तो वो 10 नहीं बचा, और 10 का कॉलम कहां टिकेगा। तो आपको ये नुकसान भी सहना पड़ेगा कि आपका पानी जो ब्रिक होगी वो सोख लेगी जब कंक्रीट कर रहे होंगे, और जब बाद में तराई भी करोगे तब भी ये दिक्कत रहेगी, दो गलतियां रहती हैं। तीसरा नुकसान जो बहुत बड़ा होता है वो होता है हनीकॉम्ब, और हनीकॉम्ब अगर स्ट्रक्चर में आता है तो वो स्ट्रक्चर फेलियर के बहुत पास होता है, क्योंकि अगर किसी चीज में हम होल कर देंगे उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा कम हो जाती है। और ये ब्रिकवर्क और कॉलम को साथ में कर रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि उसमें हनीकॉम नहीं आए, गंजा नहीं आए। और हनीकॉम आता है, टेढ़ा मेढ़ा दिखता है, उसको फिलअप कर दिया जाता है प्लास्टर से, तो वो कंक्रीट किसी नाम का नहीं है। मेरे ख्याल में अगर आपको कन्फाइंड मैसनरी करनी है प्रॉपर तरीके से करो, नहीं तो अगर ब्रिकवर्क और कॉलम करना है तो कॉलम देने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो प्रॉपर कॉलम आप नहीं दे रहे हो। ये तीसरा नुकसान है। चौथा नुकसान इसी में आ जाता है, जब हम कंक्रीट कर रहे होते हैं, क्योंकि हमने उसको दो साइड से शटरिंग की होती है, प्रॉपर सपोर्ट्स उसको नहीं लग रही होती हैं, किया क्या होता है, कील मारे होते हैं या वाइंडिंग वायर अंदर घुसाई होती है, तो उसमें जब वाइब्रेटर लगाने की बारी आती है, वाइब्रेटर हम मारते हैं तो उसमें वाइब्रेटर लगता ही नहीं। अगर वाइब्रेटर मारोगे होगा क्या, शटरिंग खुल जाएगी, ठेकेदार वैसे डर जाएगा क्या किया ये, कोई वाइब्रेटर मारते नहीं है, और वाइब्रेटर नहीं मारेंगे क्या होगा, हनीकॉम्ब आएगा, कॉम्पैक्शन नहीं होगी, बीच में वॉइड्स रह जाएंगे, तो वो फेलियर होगा ही होगा, बाद में क्रैक्स उसमें आएंगे ही आएंगे। और जब हम वाइब्रेटर मारने की कोशिश करते भी हैं, अगर बाई चांस बहुत अच्छी शटरिंग की भी है, क्योंकि टूथिंग होती है दोनों तरफ से ब्रिक वर्क के को निकले होते हैं, खाचे छोड़े होते हैं, तो उसमें से क्या होता है, हमारी स्लरी बाहर निकलने लग पड़ती है वाइब्रेटर मारते हैं। अगर वाइब्रेटर नहीं भी मारते हैं, वो शटरिंग प्रॉपर से नहीं हुई होती है, क्योंकि उसमें स्पेस ही नहीं होती उस तरीके से, प्लाई भी मार लो कुछ भी कर लो, तो होता क्या है, उस जॉइंट में से क्या निकलने पड़ने लगता है, सीमेंट और पानी दोनों साथ में निकल जाते हैं, और पीछे बचती क्या है, कब्जी एग्रीगेट, तो वो क्या करेगा, कुछ भी नहीं कर सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये गलतियां हो जाती हैं अगर आप क्या करते हो, ब्रिकवर्क और कॉलम साथ में। फायदा एक ही है कि उसमें क्रैक नहीं आएगा, वो फायदा आपको उसमें भी मिल जाएगा जब आप कॉलम करते हो और फिर ब्रिकवर्क करते हो। मैं उसको बताने वाला हूं आगे कैसे करते हैं कैसे नहीं, लेकिन अगर मैं कहूं कि आपको ब्रिकवर्क और बाद में कॉलम करने हैं, तो मेरे ख्याल में एज ए टेक्निकल पर्सन, एज ए इंजीनियर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ चीज हमारी बैलेंस नहीं हो रही है। जहां एक फायदा है 8 नुकसान है, तो वो चीज सही नहीं है। अगर कन्फाइंड मैसनरी, इसको कन्फाइंड मैसनरी बोलते हैं कि ब्रिकवर्क और कॉलम बाद में करें, मतलब स्टील का स्ट्रक्चर बाद में डरें, लेकिन इसमें प्रिकॉशंस कैसे लेने होते हैं, अगर जहां अगर आपको एक चीज करनी है, जैसे मैंने बताया ब्रिकवर्क जो रहती है उसको अच्छे से पानी पिला लो, खूब सारा पानी पिलाओ कि उसका वाटर अब्सॉर्प्शन जो रहा है वो मतलब अप्रोक्स जीरो हो जाए, जीरो होते नहीं है लेकिन वो बिल्कुल जीरो हो जाए। दूसरी चीज जो आपको शटरिंग करनी है, जब
प्रॉपर शटरिंग करनी है और बीच में डालना है फोम, दोनों तरफ आपको साइड पे फोम डालना है कि आपकी प्लाई में से स्लरी बाहर नहीं निकले। तीसरी चीज, आपको प्रॉपर उसमें वाइब्रेटर डालना ही डालना है। चौथी चीज, जब आप ब्रिक वर्क कर रहे हो तो आपको पूरी अलाइनमेंट रखनी है कि आपका कॉलम जो नीचे से लेके ऊपर तक सेम होना चाहिए। तो ये चीजें पॉसिबल नहीं होती हैं, कॉन्ट्रैक्टर नहीं कर पाता क्योंकि इसमें टाइम जाता है, तो ये चीज नहीं करनी चाहिए। अभी आते हैं कॉलम अगर हम पहले करते हैं तो फिर ब्रिक वर्क करते हैं क्या होता है। देखो सबसे पहला नुकसान जो देखा जाता है वो होता है कि जब हम कॉलम कर देते हैं, ब्रिक वर्क करते हैं, तो दोनों में जो बॉन्ड होती है, तो जॉइंट, जो जॉइंट बनता है आरसीसी और ब्रिक वर्क में, मतलब दोनों का, वहां क्रैक्स आते हैं। क्यों आते हैं? उनको सही कर सकते हैं क्योंकि इसमें इसमें नुकसान एक है, फायदे आठ है। ठीक है, समझ रहे हो? फायदे आठ क्या है, जब आप ब्रिक पहले कॉलम करते हो तो प्रॉपर अलाइंट रहता है, पूरा सीधा कॉलम रहेगा, जो लोड होगा वो प्रॉपर स्ट्रक्चर मेंबर का काम क्या है, फ्रेम स्ट्रक्चर का काम क्या है, जो लोड आएगा वो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ट्रांसफर कर देगा नीचे। ठीक है, तो जब आप पहले कॉलम करते हो, ब्रिक वर्क करते हो, जो उसमें जॉइंट होता है उसमें दो चीजें यूज कर सकते हैं, एक चिकन मैश और फाइबर मैश। अगर चिकन मैश और फाइबर यूज किया तो क्रैक के चांसेस 50% डिक्रीज हो गए, 50% डिक्रीज हो गए। 50 और करने हैं, 50 कैसे होंगे, जब आपने कॉलम खोला, ठीक है, उसके दूसरे दिन उस पर हॉकिंग करना स्टार्ट कर दो, टाचा मारना स्टार्ट कर दो, थोड़ा थोड़ा टाचा मार दो, जहां जॉइंट आने वाला है वहां जब आपने रफ कर दिया उस एरिया को, टाचा मार दिया, फिर उस पर जब ब्रिक वर्क करोगे तो वहां पे नीरू लगाओ, मतलब जो हमारा स्लरी रहती है एक अच्छी 1:1 की स्लरी बना के उस पर लगाओ और प्रॉपर उसमें ब्रिक वर्क चिपकेगी, अच्छे से लगेगी। और उसके बाद हमें चिकन मैश लगानी ही लगानी है, तो हमारा 100% क्या हो गया, वहां क्रैक नहीं आएगा। और फिर भी अगर आप उससे डर रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, डॉवेल्स छोड़ सकते हो। जैसे हमारा 3 मीटर हाइट का हमारा कॉलम है तो 1500 mm पे एक डॉवेल छोड़ दो, 8 mm का सरिया बाहर निकाल दो उस तरीके उधर से, तो वो ब्रिक वर्क में जब जाएगा, जब जॉइंट बनेगा, तो कुछ चांसेस ही नहीं है कि वहां क्रैक आए। इससे क्या हुआ, क्रैक हमारा खत्म हो गया, लोड प्रॉपर से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, प्रॉपर से हमारी कॉलम की क्यूरिंग हो रही है, प्रॉपर से आप वाइब्रेटर मार सकते हो, और ये रिच प्रोसेस होता है एक कंस्ट्रक्शन का, और इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मेरे ख्याल में एज ए इंजीनियर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कॉलम पहले कास्ट करो, फिर ब्रिक वर्क करो, फिर स्लैब डालो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर वो कन्फाइंड मशीनरी करते हो ब्रिक वर्क और कॉलम, तो उसमें काफी ड्रॉबैक्स हैं, काफी डिसएडवांटेजेस हैं, उनको जैसे मैंने कहा कैसे काउंटर कर सकते हैं, वैसे काउंटर करोगे तो एक अच्छा कंस्ट्रक्शन होगा, और कंस्ट्रक्शन में ये चीजें ध्यान रखोगे तो एक अच्छा घर आपका बनेगा, मजबूत घर बनेगा। सामने आप देख रहे हो स्टील है, स्लैब का स्टील बांधा जा रहा है, और आप देख रहे हो कि बीम जो स्लैब के स्टील के ऊपर है, ये क्या होता है, ये हमारे होते हैं हैच बीम, इनको बोल लो हैच बीम, जहां आप कंसील्ड बीम बोल लीजिए। तो इनका काम क्या है, ये स्लैब बीम होते हैं, मतलब स्लैब के अंदर ही दिखेंगे, जैसे हमारी कंक्रीटिंग हो जाएगी तो ये बीम ना नीचे से दिखेंगे ना ऊपर से दिखेंगे, मतलब ये स्लैब के बीच में रहेंगे। ये वहां प्रोवाइड किए जाते हैं, यहां पे देखो आपको स्लैब के नीचे बीम नहीं दिखाना है, जहां जहां ज्यादा लोड नहीं आने वाला है, तो उस एरिया में हम इनको बीम को प्रोवाइड करते हैं, और इस काफी ज्यादा सस्ते पड़ते हैं एज कंपेयर टू टी बीम। तो ये होते हैं आप स्लैब बीम या कंसील्ड बीम ने बोल लीजिए। फिर अगला टॉपिक है, आप देख रहे हो यहां मिस्टेक की जा रही है, यहां कवर ब्लॉक जो होता है, हमें कवर ब्लॉक प्रोवाइड करना पड़ता है स्लैब में, आपको 20 से 25 mm का कवर ब्लॉक प्रोवाइड करना है कि आपका जो मैश या स्टील है उसके नीचे में भी कंक्रीट आ जाए और ऊपर में भी, और वो डिटोराइड नहीं हो सरिया। लेकिन यहाँ गलती क्या की जा रही है, कवर बीम की जगह पत्थर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो वो खराब चीज़ है, आपको ये चीज़ कभी नहीं करनी। आपको कवर ब्लॉक प्रोवाइड करना है पीवीसी का हो गया या कंक्रीट का हो गया, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अगली क्या अगली टॉपिक क्या है, वो होती है हॉकिंग। हॉकिंग क्या होती है, हॉकिंग की जाती है, ये हॉकिंग नहीं है, मतलब एक खड्डे डाले जाते हैं, हॉकिंग प्रोसेस सेम होता है, जो हमारा कंक्रीट का सरफेस होता है उस पर हम निशान डालते हैं, खड्डे डालते हैं, इस तरीके से टाचा करते हैं कि हमारा जो प्लास्टर उस पर आने वाला है तो एक अच्छा बॉन्ड बना देगा, क्योंकि कंक्रीट का सरफेस क्या होता है, एकदम स्मूथ होता है, तो उस पर जब हम प्लास्टर करेंगे तो वो थोड़ी टाइम बाद निकल जाएगा जहाँ उसमें क्रैक आ जाते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हॉकिंग प्रोवाइड करते हैं, मतलब उस पर एक स्क्वायर मीटर में अप्रॉक्स 30 से 40 निशान उसको कर देते हैं। नेक्स्ट ये क्या है, ये क्यों मैं आपको दिखा रहा हूँ, शटरिंग की जा रही है प्लैंक से की जा रही है, फट्टे भी हम जिसे बोलते हैं उनसे की जा रही है। तो इसका क्या, इसमें सीखने वाली क्या चीज है, इसमें ये है कि जब ये शटरिंग की जाती है तो इसमें जो हमारी स्लरी होती है उसकी लीकेज की काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को आती है, मतलब हमारा सीमेंट जो होता है पानी के साथ मिलके
नीचे चला जाता है, ऊपर रह जाती है सिर्फ एग्रीगेट और सैंड, तो इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। तो आपको हमेशा जो शटरिंग करनी है वो आपकी MS प्लेट से होनी चाहिए या प्लाई से होनी चाहिए। थोड़ी कॉस्टली पड़ती है लेकिन आपका जो स्ट्रेंथ होगा स्लैब का वो बहुत ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू ऐसी शटरिंग से। इस शटरिंग में और एक दिक्कत और आती है कि जब ये शटरिंग की जाती है, जब शटरिंग खोली जाती है तो काफ़ी सरफेस ऐसे इरेगुलर शेप का होता है, तो उसको सही करने के लिए काफ़ी लेबर चली जाती है, लेबर कॉस्ट उसमें काफ़ी ज़्यादा लग जाती है, तो आपको ये कभी नहीं करना है। अगली चीज़ आप देखो, इसको आप गलती बोल सकते हो, मिस्टेक बोल सकते हो, कॉलम की डी शटरिंग हुई है, ये टाइम से पहले खोला गया तो आप देख रहे हो कितना क्रैक्स इसमें आ गए हैं। दो तीन चीज़ें हो सकती हैं इस क्रैक के कारण, ये मतलब एक तो जहाँ तो शटरिंग जल्दी खोली गई है, दूसरा एक प्रॉपर वाटर रेशो मतलब कंक्रीट का मिक्स जो था वो प्रॉपर रेशो से नहीं बनाया गया होगा, तो जैसे उसको खोला उसमें बॉन्ड नहीं होगा, सीमेंट की कमी भी हो सकती है, तो काफ़ी रीज़न होते हैं ऐसे कॉलम के। और ये कॉलम का कोई मतलब नहीं है, अगर ये कॉलम आप प्रोवाइड करते हो जब इस पर लोड आएगा सबसे पहले घर में यही हिस्सा यही कॉलम फेल होगा, तो ऐसी चीज़ आपको कभी प्रोवाइड नहीं करनी है। देखो पूरा क्रैक से बन चुका है, तो ऐसे सिविल इंजीनियर ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है जब भी आपको कॉलम प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट चीज़ जो होता है कॉलम की और बीम की या स्लैब की जो लैपिंग होती है वो उसमें ध्यान नहीं देते, कहीं भी लैप दे देंगे, मतलब बीम में कहीं भी लैप दे रहे हैं, कॉलम में कहीं भी लैप दे रहे हैं, तो आपको प्रॉपर लैपिंग प्रोवाइड करनी है। भाई लैपिंग से बहुत काम पड़ता है, मतलब स्टील प्रोवाइड करने का कोई फायदा नहीं अगर आपने लैपिंग जो जोड़ आता है, देखो एक सरिया कितना ही होगा, वो सरिया बचाने के लिए कहीं भी लैपिंग दे देंगे, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। और लैपिंग का ज़रूर देख लेना रूल कि बीम को आपको ऊपर में कहाँ नीचे में लैपिंग कहाँ देनी है, कॉलम को लैप कहाँ करना है, दो सरियों को जोड़ते हैं ना क्योंकि हमारा 12 मीटर का सरिया है जहाँ जो कट पीस होगा, तो उसको बचाने के लिए वो लैप कर देंगे, लेकिन आपको प्रॉपर जगह पर लैपिंग देनी है, ये चीज़ भी होती है। देखो और एक जो एक्स्ट्रा जो टिप्स मैं आपको दूं, कॉन्ट्रैक्टर को कभी भी अपना बजट मत बताओ। आपको आपने बोल दिया मेरे पास 20 लाख ही है तो मेरे को 20 लाख में ऐसा घर तैयार करके दे दो। एक चीज़ मैं मस्ट कहूँगा, कॉन्ट्रैक्टर को कभी भी ना अपना बजट मत बताओ यार। अगर बजट बता रहे हो तो वो उसी हिसाब से आपका आपका माइंड सेटअप कर देगा, ये चीज़ लगाओ ये लगाओ, वो जो 20 लाख होगा ना वो 20 लाख तो लगा ही देगा, 10 लाख एक्स्ट्रा लगवाएगा। तो आपको अपना बजट कभी नहीं बताना है कॉन्ट्रैक्टर को, जो मोल भाव वो कर लो, बाकी उसको कभी नहीं बताना है कि आपने ही हमारा काम करना है, मेरे पास आप ही एक कॉन्ट्रैक्टर हो, नहीं बोलना मेरे पास 3 ऑप्शन है लेकिन जो देखता हूँ मैं जो अच्छा लगेगा, तो इस चीज़ को काउंटर करने के लिए वो अच्छी क्वालिटी भी प्रोवाइड करेगा, अच्छी चीज़ें भी आपको देगा, तो ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कभी भी उसको ये मत बोलना कि कम पैसे में कर दो, तो वो क्या बोलता है आपको, अगर आप बोलोगे कम पैसे में कर दो थोड़े कम, वो बोलेगा आपको एक लिए स्कीम है, आप टोटल पेमेंट साथ में कर दो, हमें 15% डिस्काउंट कर दूंगा। जब ये चीज़ बोलोगे तो वो आपका काम बीच में रोक के जा भी सकता है, दूसरा आपका क्वालिटी भी खराब कर सकता है क्योंकि आपने पूरा मटेरियल एक साथ दे दिया उसको, और पेमेंट उतनी ही दो जितना वो काम करता है, उससे कम ही पेमेंट दो, ज़्यादा पेमेंट कभी नहीं देना। और एग्रीमेंट जरूर करो, आपको फुलिश बना देगा, एग्रीमेंट की क्या जरूरत है, मैंने काफ़ी घर बनाए, तो एग्रीमेंट करके रखो, ये मटेरियल लगाओगे ये चीज़ें करोगे, इस पर वीडियो है वो जरूर देखना, बहुत अच्छा एग्रीमेंट उसमें मेंशन है कैसे कैसे आपको पेमेंट करनी है, कैसे एग्रीमेंट देने, जिसको वो चाहिए भी होगा तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है टेलीग्राम ग्रुप है उसमें डाला रहता है थोड़े थोड़े टाइम बाद, तो वो भी आप देख लेना। तो ये 15 से 20 चीज़ें होती हैं, अगर ये 15 से 20 चीज़ें में आप बच गए तो अच्छा, ये तो RCC का था। अगर फिनिशिंग के आइटम में आपको क्या क्या सजेशन मिल सकते हैं, क्या आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं, उस पर वीडियोस चाहिए होगी आप कमेंट करना, मैं ज़रूर ले आऊँगा। और प्लीज़ यार थोड़ा प्यार दो, शेयर करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखो।